बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले हम डॉलर के मतलब बात कर लेंगे और वो रेट क्या आपके साथ आपको दिखा रखा हूँ भाई मैं। कल की निस्बत आप खुद ही देख लें, 288 रुपये 14 पैसे आज का रेट हो चुका है डॉलर। कल की निस्बत तकरीबन 20-25 पैसे मजीद महंगा हुआ आज, और ओपन मार्केट में भाई 290 रुपये प्लस में, ठीक है। वैसे ओपन मार्केट का और अभी स्टेट बैंक का इतना डिफरेंट नहीं है, 2-2.5 रुपये का डिफरेंट इतना तो होना चाहिए। पहले तो आपको पता 30-40-50 रुपये तक का डिफरेंट था। बहरहाल जी, अगर हम रिया रेट की बात करें तो आपको पहले मैं एक ओपन मार्केट का रेट दिखाना चाहूँगा आज का, HBL की तरफ से बकायदा कन्फर्म, कोई किसी भी एजेंट वगैरह से नहीं पूछा हुआ है, ठीक है जी। रियाल की बात करें तो 76 रुपये 50 पैसे में HBL बाय कर रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। बाहर किसी एजेंट के पास आप ले जाएंगे तकरीबन 77 रुपये प्लस में आपसे लेगा, ठीक है। वैसे अगर आप HBL से लेना चाहते हैं तो वो 77 रुपये 25 पैसे में आपको मिलेगा, अच्छा रेट है। बाहर से एजेंट जो है वो 78 रुपये 78 रुपये 50 पैसे दे रहे हैं। अगर दरहम की बात करने चलो, दरहम भी आपको शॉर्ट सा बता दूं मैं, और वो है जी 79 रुपये 20 पैसे ले रहा है, 80 रुपये में दे रहा है, यानी कि ओपन मार्केट में 80 रुपये रेट है जी दरहम का। अगर भाई दरहम का रेट 80 है ना, तो आने वाले 2-4 दिन में रियाल का रेट भी 80 हो जाएगा। ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। बहरहाल अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बता दूँ आपको, पहले मैं एक्सचेंज रेट आपको दिखा दूँ भाई, साथ में आप देख रहे हैं। आज का एक्सचेंज रेट हो चुका है 76 रुपये 80 पैसे, और इंडिया 22 रुपये 16 पैसे, बांग्लादेश टका 29 टके 32 पैसे, वैसे 29.5 से 32 पर आ गया, बांग्लादेश टका कम हो रहा है। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो भाई इनमें तहवील राजी, राजी बैंक का सबसे पहले जिक्र करेंगे, और इनका आज का रेट है जी 75 रुपये 88 पैसे, हाई रेट दे रहा है राजी बैंक 10, 17 और 23 फीस के साथ। आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो मैंने कल वाली वीडियो या परसों वाली वीडियो में जिक्र किया था, 1-2 दिन पुरानी वीडियो में, कि रियाल भाई आने वाले 1-2-4 दिन में 76 रुपये प्लस में चला जाएगा, और 76 रुपये पर तकरीबन पहुंच चुका है। बहरहाल वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो आज का रेट 76 रुपये 8 पैसे हो चुका है वेस्टर्न यूनियन का, और वेस्टर्न यूनियन अभी पाकिस्तान में हर, मेरे हिसाब से हर शहर में उनकी शॉख बन चुकी है, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। मनीग्राम की बात करें तो 75 रुपये 92 पैसे आज का रेट, और 10, 17 और 23 फीस के साथ। अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करें तो भाई इनका आज का रेट है 75 रुपये 94 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर आप STCPA से भेजना चाह रखे हैं तो STCPA का भाई आज का रेट 75 रुपये 75 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है जी इनकी भी। एंड अगर बात करें फौरी बैंक यानी कि बैंक जजीरा की, तो भाई इनका आज का रेट है 75 रुपये 96 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर आप इंजाज बैंक की तरफ जाना चाह रखे हैं तो इंजाज बैंक का आज का रेट है 75 रुपये 78 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। और अगर आप क्विक पे से भेजना चाह रखे हैं तो क्विक पे का आज का रेट 75 रुपये 90 पैसे, हाई रेट है इनका भी, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। ओवरऑल भाई 76 रुपये के अराउंड में रेट पहुंच चुका है, और आने वाले 2-4 या 5 दिन यानी कि मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर रियाल भाई 77 रुपये अराउंड में पहुंच जाएगा। हो सकता है ओपन मार्केट में 80 का फिगर क्रॉस हो जाए या 80 का फिगर लग जाए, बहरहाल आने वाले चंद दिनों में इसका भी पता चल जाएगा।